आप सभी को हमारी सब की तरफ से होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग जो हैं अपने अपने घर चले गए हैं। पायल लाया, चुकटी लाया और क्या है। ये देखो माँ के बाल भी एकदम ऐसे बना दिए, जुकर नेचुरल बाल हो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी समय हो गया है 11:15 का और सारी माताएं आज व्रत कर रही होंगी अपने बच्चों के लिए, और हमारा भी व्रत है। तीनों हमारे घर में जो हम लेडीज हैं, तीनों माताएं, आप सभी को सबसे पहले तो होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। अभी माँ ना पूरे मोहल्ले में सारी माताओं को बोलकर आएगी, जितने का भी व्रत है, कि सब हमारे घर आ जाओ और कहानी सुन लेना। सेम प्रोसेस वही होगा पूजा करने का, जैसे हमने करवा चौथ पर सारी बहनों ने मिलकर की थी, ऐसे ही आज होली अष्टमी की पूजा करेंगे। यहाँ पर ही कहानी पढ़ी जाएगी। और अभी प्रीति कैलेंडर लेकर आई थी, मैं दो गढ़ लेकर आई थी, तो दोनों एक एक चीज़ें लेकर आए थे। अभी वो भी लगाएंगे यहाँ पर कैलेंडर भी, और दो गढ़ भी भरेंगे। उससे पहले माँ जो है सब महिलाओं को बोलेगी कि सब तैयार होकर समय से आ जाओ, क्योंकि कहानी 12 बजे से पहले सुननी है। फिर अपना खाने बनाने की भी तैयारी करनी होती है जल्दी से ही। आज के दिन भी बायना निकाला जाता है, रीति रिवाज से अपनी ये पूजा पाठ होली अष्टमी की करते हैं। और आज माँ का बेटा क्या गिफ्ट देगा मुझे पता नहीं। देना चाहिए ना, जैसे मैंने दिया है, नहीं नहीं तो देना चाहिए। गिफ्ट में क्या देख रहे हैं बाने में? साड़ी पुजग रहे हैं, साड़ी लाया, कुर्ता पजामा लाया अपने पिताजी का, पायल लाया, चुकटी लाया और क्या है गिफ्ट में? यही तो भूल ही गई थी मैं, तो बस तो और भी अलग गिफ्ट हो। तो यहाँ पे इन्होंने बाप बेटे ने मिलकर तैयारी कर दी है बैठने की सबकी। ये देखो बिछा दिया ये, और अभी डांस कर रहे, अभी इसके पैर में आराम है आज। तैयारियों के साथ साथ खुद की भी तैयारी, माँ को नाखून पॉलिश लगा रही है अभी। अभी नंदनी नहीं उठ रही है, वो सो रही है, नहीं तो वही लगा देती सबको, और अपने भी लगा लेती खुद भी, हाथ तो पैरों में खुद ही लगा ले। टिक्के, नाखून पॉलिश, लिलिपटिक, लिलिपटिक का मतलब लिपस्टिक, लिलिपटिक बोलती है उसे। और सुबह ना बहुत सारा काजल लगा के गई मेरे पास ऊपर, और ये कह रही पापा जी माँ ने मुझे भूत बना दिया, आप अगर मुझे फ़ोन दे दोगे तभी ठीक होगा ये। तो फिलहाल नाखून पॉलिश के बाद में माँ जाएगी न्योता देने सबको। ये देखो माँ के बाल भी एकदम ऐसे बना दिए, जुकर नेचुरल बाल हो, काले बना दिए पॉलिश करके। पॉलिश मेरा मतलब कलर कर दिया था मन्ना सुबह। अभी बस इन्होंने सब काम निपटा दिया, बस साड़ी पहननी रह जाएगी इनकी बाद में, और ये महिलाओं को नुत्ता दे आओ कितना जाके, इतना हम तैयार होंगे मैं और प्रीति। माँ के हाथों पे ना मेहंदी लगाई थी हमने करवा चौथ वाले दिन, लेकिन ये उतरेगी देखो, हमने जैसे अपने लगाई थी ना ऐसे ही माँ के लगाई थी। माँ गोबर पात का ही ना पतवारे में जाके, उस वजह से वो उतरेगी, हल्की पड़ेगी, और हमारी भी हल्की तो पड़ रही है देखो, पहले तो बहुत डार्क थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, तैयार होने में समय लग ही जाता है, तो माँ गई है अपने मोहल्ले में कहने के लिए। और ये मेरी चूड़ियों का सेट, ये हमने घर पर ही तैयार किया, मेरे पास चूड़ियाँ रखी थी, ये कड़े रखे थे, ये गिफ्ट में आए थे कड़े मेरे, तो ये वाला सेट बन गया मेरे दोनों हाथों का। और मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी, पहले मैंने दूसरे वाली चूड़ियाँ निकाल रखी थी, लेकिन प्रीति ने बोला कि इस तरीके से बनाओ, तो ये आइडिया काम कर गया, देखो कितनी अच्छी लगेगी इस पे वाली चूड़ियाँ। तो मेरा सेट तैयार है, माँ पहनेगी आज ये वाली साड़ी काफ़ी दिनों बाद, और माँ ने चूड़ियाँ पहन ही ली थी, और प्रीति पहनेगी ये वाली साड़ी जो मैंने उसे गिफ्ट में दी थी, ये देखो। और ये रही इसकी चूड़ियाँ प्रीति की इस वाली साड़ी के साथ की, तो बस। और ज्वेलरी बॉक्स हमारा वहाँ पे रखा, और बस अब तैयार हो जाएंगे, ये रहा हमारा पूरा ज्वेलरी बॉक्स। तो चलो जी अब इसमें ते हैं, अब इसमें से मैचिंग की ज्वेलरी निकाल लेते हैं, और बालों को हमने सुखा लिया ड्रायर से। नंदनी सो गई, कहानी सुनने के टाइम पे अक्सर नंदनी सो ही जाती है। आज दो गढ़ धरेगी आरुषि, आरुषि घर पे ही है ना, तो आज दो गढ़ यही रखेगी, दो माँ भर के लाई और एक ही से दे दी, आराम से रखियो ये बहुत ही प्यार से ऐसे। हाँ पैसे देंगे अभी, अभी नंबर आ गया है चावल के दाने और चीनी डालने का, डाल दो थोड़े थोड़े से, तीनों में डाल दो। तो ये मम्मी यहाँ पे तैयार हो रही है, किसके लिए होगा तैयार हमारा? हमारे लिए, बच्चों के लिए है ना, सारे बच्चों के लिए। साड़ी मेरी एकदम सेट कर दी है प्रीति ने, और खुद की भी कर ली है ये देखिए, और बस अब मुझे मेकअप करना है थोड़ा सा और तैयार होना है, चूड़ियां वगैरह पहननी है, जो मैंने बैंगल्स का अपना सेट बनाया है।
और आज तैयार हमारी छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी आरुषि करेगी, वो जिद कर रही है मम्मी मैं आज आपको तैयार करूंगी। तो चलिए जी आज हमारी आरुषि तैयार करेगी, उस दिन हमें गुड्डू ने तैयार किया था और अभी मुझे अपना गले का सेट भी पहनना है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चूड़ियाँ पहन लेते हैं, ये सेट मैंने बनाया था लेकिन बिगाड़ दिया था बच्चों ने, इधर उधर इसकी बैंगल्स कर दी थी, लेकिन अभी सबसे पहले ये बहुत जल्दी से बन जाता है क्योंकि इसके कड़े का साइज थोड़ा बड़ा है। प्रीति बहुत जल्दी से पल्लू सेट कर देती है, अभी वो अपना पल्लू सेट करने में लगी हुई है और बस फिर उसका मेकअप मैं करूँगी। आई शैडो और जो आई लाइनर है, आई शैडो मैं खुद लगाऊँगी, आई लाइनर उससे ही लगवा लूँगी क्योंकि खुद से जो है कभी कभी लगाते हैं तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ मेकअप मैं उसका करूँगी, कुछ वो मेरा करेगी, तो फटाक से दोनों तैयार हो जाएंगे। उधर नंदनी भी उठ गई है, हम सोच रहे थे इसके उठने से पहले ही हम लोग अपना तैयार हो जाएंगे तो फिर बच्चे इधर उधर सामान नहीं करेंगे। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं कहानी सुनने के लिए और जो हमारी सखी सहेलियां हैं वो भी एकत्रित हो गई है, आ गई है, बाहर बैठी हुई है, हम लोगों का इंतजार कर रही है। उस दिन हम लोग इनकी वेट कर रहे थे, आज हम लोगों ने इन्हें वेट करा दिया। तो अभी एक दो और बाकी है, माँ अभी कपड़े चेंज करेगी क्योंकि माँ इन्हें अभी बुलावा देने के लिए गई थी ना, तो उन्हें वहां से आने में टाइम लग गया। और जो होई के बच्चे हैं वो भी उन्होंने उसमें जो शव होती है उसमें पहना दिए हैं। तो सारी तैयारियां बाहर माँ ने कर दी है और हम खुद तैयार हुए हैं और इसी बीच में हमने बच्चों के लिए पुलाव भी बनाया है, पीले चावल। और ये ना आरुषि तो इतनी खुश है आज, बहुत खुश, लेकिन तैयार हम लोग अपने आप ही हुए। आरुषि बोल रही थी कि मैं तैयार करूंगी लेकिन बेटा आपके तैयार करने के चक्कर में तो हमें शाम हो जाती क्योंकि शाम तक तो हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। बस आप इसे छोड़ दो, मेकअप किट को छोड़ दो और चलो ये माँ का हार दे दो, माँ पहन लेगी ठीक है। तो जी कुछ आज ऐसे लग रहे हैं, ऐसा लुक है हम दोनों का, ठीक ठाक से ही लग रहे हैं आज, अपने आप भी हमने ठीक ठाक से ही कर लिया मेकअप। बस बाल स्ट्रेट नहीं करे, गुड्डू ने उस दिन कर दिए थे है ना, प्रीति के करे थे, मैंने तो करवाए थे। तो चलो जी लेकिन फिर ऐसे ही हो गए थे तो परमानेंट स्ट्रेट थोड़ा करे थे, ये तो एक घंटे के स्ट्रेट थे बस, एक घंटे के कुछ आपने जब ये मोड़ लिए। हाँ सबसे पहली रस्म होती है हमारे यहाँ पर कलावा बांधने की, ये देखिए। तो मैं सबसे बाद में बैठी थी तो फिर देखे माँ अभी अपनी साड़ी सेट कर रही है क्योंकि जब इतनी भारी साड़ी कितने दिनों में पहनते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता ही है। तो प्रीति को कलावा बंध गया है, सारी महिलाओं ने कलावा बांध लिया था, बस मैंने और माँ ने सबसे लास्ट में बंधवाया था। अब हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है वही आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बाना बांट दे, बहन बेटी के यहाँ भी बाना भेजना चाहिए। आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर बांटकर पूजन किया जाता है। ईश्वर से प्रार्थना की जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के शाप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसमया काल के मुंह से समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चे को मार दिया, इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंति दया बंदी चार भुजा धारी, माता गुरु सहेल मुसे की सवारी, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख दे दे कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे दे निर्धन को माया,
देवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतिवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। चाची अपनी एक साल की थकान पूरी तरह रोज करवा लेगा। राम राम नमस्ते राम राम। मैं नहीं तो कह रही चाची, तो एक साल की नु कह रही फॉर्मेलिटी सी ना पूरी करो, बढ़िया तो भिंचो तसल्ली दे। अरे नहीं बढ़िया है, दो दिन भी ताई बचे मगर ताई नहीं आई बेचारी, आज बना रहे अंदर ठीक था। मुझे लगा डबल डबल बिजली थी क्या वाली थी जानी दो पैसे भी दे रहे फिर भी जावा की ना करोगे जाना पड़ेगा। तो जी कहानी सबने सुन ली है, सब लोग जो हैं अपने अपने घर चले गए हैं और बस अब माँ बनाएगी छुआनी पीने के लिए, क्योंकि आज के दिन हम लोग चाय दूध या कुछ भी नहीं पीते हैं, छुआनी पियेंगे माँ बनाएगी अभी। और आज तो हमारे घर कान्हा जी भी आए थे, बहुत अच्छा लगा। कान्हा जी के लिए फिर माँ ने ना चौकी लगाई थी यहाँ पे। अब की बार हम लोग कैलेंडर लेकर आए थे, कैलेंडर यहाँ पर लगा दिए हैं और ये हमारी तीनों सास बहुओं की हुई। और ये बच्चे लाई थी मैं माँ के लिए, ये इसमें डाल दिए शाऊ में, और इस बार अपने लिए मैं ये लेकर आई थी, इसमें ये डाल दिए माँ ने, और प्रीति वाली में भी डाल दिए। देखिए हर साल ये प्रीति को मैंने दिए थे, ये वे वाले हैं। तो ये होगी जी हमारी होई माता, और इनकी करेंगे हम शाम के टाइम पूजा। और ये कान्हा जी की चौकी लगी है। दोपहर की पूजा हम लोगों की, सब महिलाओं की, सब माताओं की हो चुकी है। आप सभी को हमारी सब की तरफ से होई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होई अष्टमी। तो जी पूरी YouTube फैमिली को एक बार फिर से इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबके बच्चे बड़े होकर कामयाब हो, नाम रोशन करें। माँ बाप की तो यही इच्छा होती है, और सबके बच्चे करें भी सबका नाम रोशन जी। तो इतने माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, वो बच्चों के लिए ही करते हैं। तो एक बार फिर से कहना चाहूंगी सभी को होई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी YouTube फैमिली को जो हमें देख रहे हैं। तो चलो जी आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज हम दोनों ऐसे लग रहे हैं उस दिन भी ऐसे ही लग रहे थे उस दिन भी ऐसे लग रहे थे तो आज भी ऐसे सजे हम लोग। और कई सारे ना मतलब सूट सलवार पहन कर थे ना, तो हम उन्हें कह रहे थे उस दिन तो आप अलग से सज रहे थे, इतने सज धज कर थे, आज अपने बच्चों के लिए व्रत रखा, आज इतने सजे नहीं, तो उन्हें कह रहे आज काम ज्यादा था। मैंने कहा अच्छा काम तो इतना ही था, अष्टमी वाले दिन काम ज्यादा था। ये देखो जी, चलो खैर जिसमें भी किसी को कंफर्टेबल लगता हो
तो वो तो अपनी अपनी चॉइस है सबकी तैयार होने की। वो तो हमारी एक छोटी सी मजाक चल रही थी, जब सारे के सारे इकट्ठे होते हैं ना सारी महिलाएं हमारे मोहल्ले पड़ोस की, क्योंकि डेली तो एक दूसरे के पास बैठना होता नहीं, तो इस दिन थोड़ी सी हंसी मजाक चल ही जाती है, कर लेते हैं हम लोग आपस में बैठकर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होई अष्टमी की पूजा हम सबकी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर न तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।